अब राजस्थान मेडिकल काउंसिल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां फेक दस्तावेज इलाज में लापरवाही के मामले में एक्शन हुआ है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी है, आरएमसी ने 8 डॉक्टर के लाइसेंस हैं जिनको सस्पेंड कर दिया है। आरएमसी रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल ने जानकारी दी है। तो रजिस्ट्रार की ओर से जानकारी दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि ज्यादातर डॉक्टर्स ने विदेश से MBBS किया हुआ था। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां पे राजस्थान मेडिकल काउंसिल से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी। फेक दस्तावेज और इलाज में लापरवाही के मामले में एक्शन लिया गया है। इसमें आरएमसी ने 8 ऐसे डॉक्टर हैं जिनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर है। यहां पर आपको बता दें कि आरएमसी रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल की ओर से जानकारी दी गई है और इसमें ज्यादातर डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने विदेश से MBBS किया हुआ है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने गलत दस्तावेज और इलाज में लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद राजस्थान के 8 डॉक्टर हैं जिनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। इसमें आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल ने यह बताया है कि इस बैठक में शुभम गुर्जर, इंद्राज सिंह गुर्जर, विजय सैनी, नफीस खान, देवेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह गुर्जर, अभिषेक कुमार और शेख आरिफ इकबाल का लाइसेंस है जिसको निरस्त किया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों फर्जी दस्तावेज से डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन होने का मामला सामने आने के बाद आरएमसी ने इस प्रकरण में ये जो शिकायतें मिली उसकी जांच की और जांच में दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर आरएमसी ने इन सभी डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया है। अब आरएमसी सूत्रों के मुताबिक इन सभी डॉक्टर्स ने विदेश से MBBS किया है। इसमें कजाकिस्तान, रशिया और यूक्रेन समेत अन्य देशों से MBBS करके आए हैं, लेकिन इनमें से कुछ NMC का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दूसरे राज्यों से नहीं आने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। प्रशांत, गलत दस्तावेज और लापरवाही के मामले में 8 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कहे कि 8 डॉक्टर्स के लाइसेंस है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले दिनों जिस तरीके से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें फर्जी डॉक्टर्स के पकड़ने जाने का मामला निकल कर सामने आया था, उसके बाद जो आरएमसी रजिस्ट्रार है उनको भी बदलकर नई जिम्मेदारी के रूप में डॉक्टर गिरधर गोयल को जो है ये जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने साफ तौर पर जब पदभार ग्रहण किया था उन्होंने कहा था कि पिछले 5 से 6 साल में जितने भी डॉक्टर्स को रजिस्टर किया गया है उन सबकी तफ्तीश की जाएगी, उनकी सबकी जाँच की जाएगी। मगर कहे कि 8 ऐसे डॉक्टर जिनकी लगातार जो है खराब इलाज या गलत जांच करवाने को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसमें 8 ऐसे नाम शामिल है जो 8 डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें डॉक्टर शुभम गुर्जर, डॉक्टर इंद्रराज, डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर खान, डॉक्टर देवेंद्र, डॉक्टर सतेंद्र, ऐसे 8 डॉक्टर है जिनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। क्योंकि आरएमसी रजिस्ट्रार है डॉक्टर गिरधर गोयल, जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था उन्होंने साफ तौर से ये आश्वासन लोगों को दिया था कि पिछले 5 से 6 सालों में जितने भी रजिस्ट्रेशन किए गए हैं उन डॉक्टर्स के दस्तावेजों को जांचा भी जाएगा और जो फर्जी डॉक्टर है उनको जो है जल्द से जल्द सस्पेंड भी किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली